काम काज संभाल लिया। गुरुदेव जी ने आपके चरण छुए, वाकई में बड़े ऊंचे महात्मा थे, अद्भुत थे, इसमें कोई शक नहीं। क्यों संन्यास लेते ही आश्रम बदल जाता है, ना उसका कोई बच्चा, ना उसका कोई खेत, ना उसका मकान, शरीर से त्याग हो गया लेकिन मन से त्याग करने में बड़ा समय लगता है। दूसरी बात और भी है कि त्याग का बड़ा अहंकार होता है। हम गृहस्थी लोग कभी कभी संसार से दुखी हो जाते हैं, अपना गुरु संन्यासियों के पास जाकर कहते हैं कि महाराज हम दुखी हैं, मन में शांति नहीं, मन में चैन नहीं, कोई उपाय बतलाइए कि मन को शांति मिले। और ये उपाय भी बतलाते हैं, कहते हैं ईश्वर को याद करो, परमात्मा का ध्यान करो, इसी से सच्चा सुख और शांति मिलेगी। और हम गृहस्थी लोग करते भी हैं लेकिन हो नहीं पाता। जब नहीं हो पाता तो मजबूर होके चले जाते हैं, प्रश्न करते हैं कि महाराज बनता नहीं, प्रश्न तो करते हैं लेकिन ध्यान तो होता नहीं। तो अक्सर ये सुनने में आ जाता है कि भाई ये रास्ता सन्यासियों का है, आप तो गृहस्थी हो और तो सन्यासियों में शुरू से ही ये भावना हृदय में हो जाती है कि हम सब साधारण मनुष्य से कुछ अलग हैं। सूक्ष्म अहंकार अंदर ही अंदर पैदा हो जाता है। अहंकार जहां है वहां परमात्मा नहीं। दूसरी बात ये कि ज्यादातर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी में पड़कर दुखी होकर वैराग्य हो जाता है, संन्यास ले बैठते हैं। संन्यास लेने के बाद जीवन बदल जाता है। संन्यास के अपने यम नियम हैं, कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि, प्राणायाम, बहुत लोगों से बनता नहीं। जिनसे बनता है वे कठोरता से अपने मन को साधते हैं। इस अभ्यास में दबाव रहता है और दबाव के कारण बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे महात्मा संसार में आते हैं संसार की सेवा करने के लिए, लेकिन उनके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये दुश्मन जो है इस रास्ते के समूह नष्ट नहीं हुए रहते, सुप्त हो गए होते हैं, दब गए होते हैं। अभ्यास के प्रेशर से ऐसा मालूम होता है कि इन पर काबू हो गया, वास्तव में हुआ नहीं होता। और जब ये संसार में आते हैं और संसारिक वस्तुओं से संपर्क होता है तो सुनाई पड़ता है विख्यात सन्यासी महात्मा थे, ऐसी ऐसी अनहोनी बातें सुनने में आती हैं। तो वजह यही है कि जब तक परमात्मा की सच्ची प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से छुटकारा नहीं मिलता। जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उनका इन पर नियंत्रण हो जाता है, ये मित्र बन जाते हैं उनके। ऐसा उच्च कोटि का कोई बरला होता है और जो ऐसा होता है वह संसार का बड़ा कल्याण करता है, संसार को उससे बड़ा लाभ होता है। तो इस अभ्यास में दबाव शुरू से ही शामिल रहता है। जैसे यदि आप इस किसी स्प्रिंग को खींच कर रखें, जब तक खींचे हैं खींचा है, जहाँ हाथ से छूटा कहीं पर भी मार कर सकता है, मुंह पर लग जाए, माथे पर लग जाए, बिल्कुल यही दशा होती है
इस अभ्यास में शुरू से ही दबाव है और हर दबाव की प्रतिक्रिया साथ साथ सामने आ जाती है। तो ये सारी बातें हैं, इन सबको सोच समझ कर संन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए। और खासकर उन लोगों को जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया है, उन्हें तो खासकर संन्यास की बात कभी सोचनी नहीं चाहिए। करोड़ पीछे एक दो नजर आते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध जो गृहस्थी थे संसार छोड़कर चले गए और ईश्वर को प्राप्त किया, लेकिन हजार पीछे 999 असफल होते हैं, ना उनकी दीन रहती है ना दुनिया। ऐसी बहुत सी घटना इस सेवक के सामने आई, सामने सफलता न इधर का रहा न उधर का, सर्विस छोड़ी, बच्चे छोड़े, घर छोड़ा, कुछ नहीं कर पाया, बर्बाद हो गया। तो जिन्होंने ग्रस्त आश्रम में पदार्पण कर लिया है, उन्हें हजार बार सोचना चाहिए कि उनके लिए रास्ता नहीं है। जो बाल ब्रह्मचारी है, जिसका जन्म से ही संस्कार बहुत ऊंचा है, उसकी बात तो अलग है, उसके लिए तो संन्यास से बढ़कर और कोई दूसरा रास्ता नहीं। ऐसा व्यक्ति इस रास्ते में बहुत चमकेगा, करोड़ों का भला करेगा। हमारी ऐसी धारणा हो गई है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं, बहुतों की यह धारणा है कि 55 से 58 साल तक तो अपना काम करें, 58 साल के बाद जब रिटायर हो जाएंगे तब पूजा पाठ करेंगे। यह बहुत बड़ी भूल है, 58 साल के बाद रिटायर हो जाने पर कुछ नहीं होता, तब भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता। आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं आप उन्हें बदल नहीं सकेंगे, शरीर भी जवाब देने लग जाता है, आप बैठ नहीं सकेंगे, ध्यान करने की बात तो अलग रही। तो ये भावना जो हमारे अंदर आ गई है बहुत गलत है। अधिकतर लोगों की ये भावना है कि 58 साल के बाद पूजा पाठ करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे, अभी से भगवान का नाम लेकर क्या करना, बहुत गलत है, फिर नहीं होगा, जो कुछ बनेगा आज बनेगा, अभी बनेगा। तो गृहस्थियों को रास्ता ही बहुत पुराना है जिसे हमने बुला दिया, बड़ा ऊंचा रास्ता। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा, राजा जनक को विदेह कहते थे, कितना बड़ा महात्मा, कितना बड़ा ब्रह्मज्ञानी हुआ। उसके जमाने के महर्षि अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे परीक्षा के लिए कि राजा जनक कह दे कि ब्रह्मज्ञानी है तो है, नहीं तो नहीं। वह राजा था, राज का कितना कारभार उनके ऊपर था, कितनी जिम्मेदारियां थी, उन सब जिम्मेदारियों को भली भांति निभाते हुए इतना ऊंचा ब्रह्मज्ञानी। और हमारे आपके पास तो जिम्मेदारियां बहुत कम है, जब एक राजा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है, हम आप क्यों नहीं हो सकते, जरूर हो सकते हैं। तो ये रास्ता ही बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूंगा, इसे कहते हैं इति मार्ग। इस रास्ते में हम अपने जीवन में एक चीज बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। एक चीज अपनी जिंदगी में बढ़ाते हैं और वो क्या है, वह परमात्मा का नाम। और परमात्मा का नाम ऐसी बड़ी ज्योति है, अगर सच्चे तरीके से अपने मन में आ जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करती चली जाती है। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं, लाइट आई अंधेरा गया। बैल भी महर्षि उल्टा नाम जपते जपते महर्षि हो गए और इतने बड़े महर्षि हुए कि रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी,
लिख दिया ऐसा ऐसा होगा, वैसा ही वैसा हुआ। तो ऐसे जीवन में जब परिवर्तन आया, हृदय में नाम लेते लेते इतना ऊंचे महर्षि हुए कि रामायण पहले लिख दी घट्ट बाद में घड़ी, ये ऐसा प्रकाश है, ऐसा उजाला है। अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए, अंधेरे को अपने आप दूर करता चला जाता है। तो छोड़ना कुछ नहीं है, जो आज आपकी जिंदगी है उसी में एक चीज बढ़ाइए। इस रास्ते पे चलने वाले जो हमारे सद्गुरु हुए एक के पीछे एक, उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए अपनी जिंदगी में बड़े कष्ट उठाए। उनकी जिंदगी बड़ी कठोर में थी और बड़ी कठिनाइयों में रहते हुए इस विद्या को न केवल प्राप्त किया बल्कि हमारे लिए कुछ गुण छोड़ गए। अपनी जिंदगी में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, चाहे हम सन्यासी हों, चाहे हम गृहस्थी हों, चाहे किसी भी तरीके से क्यों ना हम जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करें। ज्ञान मार्ग से, कर्म से, सन्यास से, ग्रस्त से जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त किए प्राणी में दो बात विशेष पैदा हो जाती है। पहली, निरंतर परमात्मा की याद, भगवान का ध्यान निरंतर बना रहता है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते, ईश्वर की याद बनी रहती है। और दूसरी बात यह कि उसके जो कर्म है वो निष्काम कर्म हो जाते हैं, अहम निकल जाता है। ये दो बातें हैं, उसे स्थित पे कहिए या जीवन मुक्त कहिए, में पैदा हो जाती हैं। अब देखना ये है कि इसी दुनिया में रहते हुए, दुनिया के सब काम करते हुए, कैसे मैं 24 घंटे का ध्यान बने, कैसे उस परमात्मा का ध्यान बने, और कैसे मैं निष्काम कर्म करने की आदत बन जाए। इन संतों ने जो ग्रस्त में हुए हमारे लिए एक रास्ता छोड़ गए, इस रास्ते को अपनाएं तो रास्ता हमारा आसानी से तय हो जाए। हर व्यक्ति अपनी संतान के लिए कुछ गुण छोड़ जाता है। एक व्यापारी है, अपनी संतान के लिए गुड़ छोड़ जाता है, उसकी संतान को अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ता। एक डॉक्टर है, अगर उसका लड़का डॉक्टर है तो उसके लिए गुड़ छोड़ जाता है, उसे अपना क्लिनिक चलाने में दिक्कत नहीं आती। उसके बाद इंजीनियर है, अपने बच्चों के लिए गुड़ छोड़ जाता है। इस तरह हमारे सिलसिले के जो संत महात्मा हुए ये कुछ गुण छोड़ गए। कैसे हम आसानी से 24 घंटे का ध्यान प्राप्त करें, कैसे सच्ची निष्काम कर्मता प्राप्त करें, मैं उन गुरुओं को आपके सामने रखूंगा। अगर आपको ये बातें अच्छी लगें तो ज़रूर अपनाएं, अपनाएंगे तो आपको बहुत विशेष फायदा होगा। इन संत महात्माओं ने, सदगुरुओं ने सारे साधन को 3 भागों में बांटा और दिन के 24 घंटों को भी 8-8 घंटे के हिसाब से 3 भागों में बांटा। साधन का पहला स्टेप पूरा कर लेने से 24 में से 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। साधन का दूसरा स्टेप पूरा कर लेने से 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे और साधन का तीसरा स्टेप पूरा कर लेने से 24 घंटे निरंतर पर आपको ईश्वर का ध्यान बना रहेगा, सच्ची निष्काम कर्मता आपको प्राप्त हो जाएगी।
अभी मैं साधन की पहली सीढ़ी आपके सामने रखूंगा जिसमें 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। पहली बात इन संतों ने बताई कि परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर हमको मनुष्य होनि प्रदान की है, ये उसकी बड़ी देन है जो हमें प्राप्त है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है, बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। बड़ी दया कृपा कर हमें ईश्वर ने ये मौका दिया और हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पाव सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाव साधन दाम मोक्ष कर द्वार पायन जही परलोक सवार। ऐसी मनुष्यों ने जो बड़े भाग से मिली है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि एक ऐसा साधन का क्षेत्र है, मोक्ष का दरवाजा है। इसमें ही परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। यदि हम चाहें प्रतिशील हों उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसी योनि है इसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं। तो ऐसा अवसर ईश्वर ने हमें दिया, हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए, जितने धर्म हुए, जितने पंथ हुए, सब ने मनुष्य योनि की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कबीर दास जी ने कहा है कि कबीरा हर की भक्ति कर तज विशारस चोंच, बार बार नहीं पाइए मानस जन्म की मौज। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी मिथ्या जन्म बिगार, मानस जन्म गरीब न फिर कर ले हरि सो प्यार। ऐसा सुंदर अवसर में परमात्मा ने दिया। हमारे महर्षियों ने हमें बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो या सन्यासी, आपको आधा घंटा प्रातः संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल, ये 2 समय निश्चित कर दिए कि संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा की पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज़्यादा करते हैं। यदि हम उनसे पूछें कि आपको इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो 4 बात बताने के में खामोश हो जाते हैं। पहली बात ये कि भाई ईश्वर का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, उनके देखा देखी हम करते हैं, हमारे देखा देखी हमारे बच्चे करते हैं, गॉड फियरिंग है, अच्छा है। और आप इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं? अगर हम उनसे पूछें कि इस पूजा का आपको क्या लाभ हुआ, ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। इन संतों ने कहा कि हम एक तरीका बतलाते हैं, यदि इस तरीके से आप पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। और उन्हें ऐसा तरीका बतलाया जिसे हर कोई अपना सके, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।